तो दबंग 3 आ चुकी है और आप भी आ चुके हैं, स्वागत तो करो हमारा। दबंग का स्वागत कर लिया, अब इनका भी स्वागत करते हैं। बताइए, वाह चुलबुल पांडे, वो भी स्वागत के साथ, कैसी लगी फिल्म? फिल्म कैसी लगी? मुझे तो डायलॉग एक भी सुनाई दिया नहीं। क्यों? कि जब भी सलमान स्क्रीन पर आता है लोग इतनी, अब क्या करूँ मैं, बोलो, फिर से दोबारा देखनी पड़ेगी पिक्चर। फनी लगी? सलमान ने अपने फैंस को अपने दिमाग में रखकर फिल्म बनाई है, खुद ने स्टोरी लिखी है, कब एंट्री मारना, कब एक्शन करना, पूरे अपने स्टाइल में किया, लोगों को मजा आ गया। अच्छा, अगर मैं बात करूँ साई मांझरेकर का डेब्यू परफॉर्मेंस था, उनके लिए क्या कहेंगे? सुपर्ब, उनका लुक दिया उन्होंने, हेमा जी और रेखा जी का 70s का, क्या लगती है, बहुत जबरदस्त, लेकिन रोल बहुत कम था। जब साई आती है तो सलमान थोड़ा जवान दिखाया है, और जब सोनाक्षी आती है थोड़ा अभी का लुक दिखाया है। तो स्टोरी वाइज दबंग 1 बेटर है, 2 बेटर है, या थर्ड ने दोनों को ही पछाड़ दिया? नहीं नहीं, दो फर्स्ट सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड बहुत अच्छी थी, ये थोड़ी सी कम है लेकिन अच्छी है। मेन कैरेक्टर अगर विलन की बात करें, अरे रे सुपर्ब, किंग किंग किच्चा, उसे किंग कहते हैं, किंग किच्चा सुदीप, जब उसका एंट्री आई ना ऐसा लगे कि डैनी डंजो पे आया, और 70s का विनोद खन्ना जो उसका एक्ट चलता ना, और जो डायलॉग डिलीवरी उनका है शत्रुघ्न सिन्हा का, जो जमाने विलन में जो करते थे, बहुत क्वालिटी उसमें किच्चा में। अच्छा, क्लाइमैक्स सीन के बारे में क्या कहना? सुपर, बहुत जबरदस्त है, दोनों ने शर्टलेस अवतार में फाइटिंग की। सबसे बड़ी बात है सलमान को पता है शर्ट कब उतारनी है, जब किच्चा जब गिरता है शर्ट निकल जाती है और पूरी धूल उड़ रही है, मिट्टी की धूल उतारने के बाद सलमान खड़ा है, तो सोचो थिएटर में क्या होगा। पब्लिक के लिए क्या कहना चाहेंगे, देखनी चाहिए फिल्म? हर एक पब्लिक को देखनी चाहिए, लोगों को मजा आएगा, फुल टाइम पास, सलमान एक्शन पैक, किच्चा सुदीप फुल टाइम पास। वैसे तो सुपरस्टार्स के लिए स्टार नहीं होता, लेकिन फिर भी इस फिल्म को कितने स्टार्स देना चाहिए? स्टार बहुत बड़ा स्टार है सलमान खान, गरीबों का मसीहा, किसी जमाने में लोग कहते थे कि ऊपर आका नीचे काका, राजेश खन्ना को, आज कहते हैं ऊपर भगवान नीचे सलमान, तो क्या करें फिर।